हेलो दोस्तों, वेलकम टू अनदर वीडियो। मैं हूं आपका होस्ट कामरान नज़ार, आप देख रहे हैं द गेट इनटू टेक यूट्यूब चैनल। तो आज की एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ मैं हाजिर हूं, और आज की वीडियो में हम ये बताएंगे कि हम किस तरह किसी भी मोबाइल का डाटा या जिसको किसी भी सिम ओनर का नेम के उसके आईडी कार्ड, उसका सारा एड्रेस, की सारी डिटेल किस तरह निकाल सकते हैं। बाद अवकात आपके मोबाइल पे बहुत से नंबर से कॉलें आती हैं, लेकिन आप लोग नहीं डिटेक्ट कर पाते कि वो कॉलें कौन कर रहा है, कहाँ से कर रहा है और वो सिम किसके नाम पे है। तो मैं आज आप लोगों के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त मोबाइल एप्लीकेशन लेके आया हूँ, जिसका जो आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगी। मैंने बहुत सर्च के बाद वो एप्लीकेशन वहाँ से ढूंढी है। अगर वहाँ से आप लोग डाउनलोड करते जाएँ तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो बहुत ज़्यादा लोग क्या करते हैं एप्लीकेशन के लिंक क्या करते हैं डिस्क्रिप्शन में दे देते हैं। तो मैं भी क्या करूँगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, लेकिन वो आप लोगों को अपनी वेबसाइट पर रीडायरेक्ट करते हैं। तो मैं आप लोगों को ये रिकमेंड करूँगा कि आप लोग सबसे पहले ये तरीका देख लें कि हम लोग प्ले स्टोर से किस तरह उस एप्लीकेशन को ढूँढेंगे। ठीक है, तो सिंपली क्या करना है, प्ले स्टोर में ओपन कर लेता हूँ। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। तो सिंपली यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है, लिखना है सिम नंबर फाइंडर, सिम चेक नंबर, ये लिख देते हैं। मैं आप लोगों को सारे तरीके से सारी करके बताता हूँ कि वो कौन से नंबर पर। ये देखें जी, मोबाइल नंबर फाइंडर या सिम चेक नंबर लिखेंगे तो ये तीसरे नंबर पे एप्लीकेशन आएगी मोबाइल नंबर फाइंडर के अलावा। और अगर हम यहाँ पे लिखें मोबाइल नंबर फाइंडर तो जैसे ही हम लोग मोबाइल नंबर फाइंडर, तो ये सबसे पहली एप्लीकेशन यही खुलेगी। ठीक है, तो सिंपली क्या करना, आप लोगों ने इंस्टॉल कर लेना है। ज़्यादा बड़ी एप्लीकेशन नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ 10 कुछ MB की एप्लीकेशन है। तो बहुत ही अच्छी एप्लीकेशन है, सिंपली मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। जैसे ही ओपन करता हूँ तो कुछ इसका इंटरफेस इस तरह का नज़र आता है, इस तरह अभी आप लोग देख सकते हो। ये थोड़ी बहुत लोडिंग कर लेगा। इसमें यहाँ पे हमने, या तो अगर हमें शनाख्ती कार्ड नंबर पता है तो हम वो यहाँ पे एंटर कर देंगे और उसकी डिटेल आ जाएगी कि उस नंबर पे शनाख्ती कार्ड पे कितने सिम हैं। और एक बात याद रखें, ये 2017 जो है उससे पहले का डाटा, वो बिल्कुल एक्यूरेट जो है अप टू 2017 तक का ये डाटा हमें प्रोवाइड करता है, उससे पीछे का नहीं कर रहा। और उस पर प्रोसेस चल रहा है, वो ये नीचे बता रहे हैं। तो सिंपली क्या करते हैं, यहाँ पे मैं कोई भी एक रैंडम नंबर लिख लेता हूँ, जिस तरह 03055605787, और सिंपली सर्च के ऊपर क्लिक कर दें या लिंक वन या लिंक टू के ऊपर क्लिक कर दें। मैं सिंपली क्या करता हूँ, लिंक वन के ऊपर क्लिक करता हूँ। तो ये देखें, ये मैंने एक रैंडम नंबर लिखा था, तो ये अब्दुल रजाक है, उसका नीचे जो है वो CIC नंबर है, उसके बाद उसके नीचे एड्रेस भी आ गया है, और जो उसके शनाख्ती कार्ड का एड्रेस है एक तो वो आया है, एड्रेस 93 कॉलोनी, और नीचे जो उसकी सिटी है वो शो कर रहा है, जो सिम की रजिस्ट्रेशन की सिटी होती है ये नीचे वाली सिटी वो शो करता है। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त ऐप है। यहाँ पे आप लोग लिंक वन के ऊपर क्लिक करके, अगर आप लोगों का डाटा लोड नहीं होता तो आप लोग लिंक टू के ऊपर भी करके ट्राई कर सकते हो। मैं सिंपली इसी को दोबारा लिंक टू की मदद से ट्राई करता हूँ, फिर देखता हूँ कि फिर अगर ये कोई चेंजिंग वगैरह तो नहीं करता कहीं ये, दिस लिंक इज़ ब्लॉक्ड, प्लीज़ इंस्टॉल एंड एक्टिव VPN देन यू यूज़ दिस ऐप। अगर आप लोगों का ये लिंक वगैरह जो है वो काम ना करे, मिसाल के तौर पर यही VPN का वगैरह ऑप्शन दे, तो आप लोगों ने क्या करना है, एक सिंपल VPN डाउनलोड कर लेना है। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। उसको करने के लिए क्या करना, सिंपली आप लोगों ने वापस प्ले स्टोर में आ जाना है और सर्च बॉक्स में आप लोगों ने लिखना है टर्बो VPN। ठीक है, इसको आप लोगों ने डाउनलोड करना है। VPN का मतलब होता है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। तो ये मैंने पहले से डाउनलोड किया हुआ है, लेकिन ये पहले मैंने लगाया हुआ नहीं था, ये आप लोगों को पता चल जाएगा अभी। ये जब कनेक्ट होता है तो ऊपर कनेक्टिविटी ये शो करता है, और ये डिफरेंट कंट्रीज़ की कनेक्टिविटी को शो करता है। ये देखें, यहाँ पर ये सारी कंट्रीज़ हैं, ये आप लोग लगा कर वो जो सिम की डिटेल्स जो हैं वो निकाल सकते हैं। तो सिंपली आप लोगों ने क्या करना है, अगर आप लोगों को शक है कि ये मैं झूठ बोल रहा हूँ या मैं एक ही नंबर जो है उसी का डाटा ये शो करता, ज़्यादा नहीं शो करता, तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता दें और मैं आप लोगों को उस नंबर की सारी डिटेल लिख के बता दूंगा, अगर आप लोग ये एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करना चाहते।
अगर आप लोग सीरियस हैं इसको डाउन करना चाहते हैं तो मैं सिंपली आप लोगों को एक और नंबर ट्राई करके बता देता हूँ, 0302-546-8251-54। ये मैंने बिल्कुल ही रैंडम नंबर नहीं लिया है, हो सकता है ये नंबर रॉन्ग भी हो सकता है, सही भी हो सकता है, आई डोंट नो। ये वैसे ही जो मेरे जहन में आया, इसका डाटा अभी तक फाउंड नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ कोई और 0365-35770 इसका मैं डाटा ले लेता हूँ, लिंक वन के ऊपर क्लिक करता हूँ। तो ये किसी दानिश रज़ा के नाम पे है, तो आप लोग इसकी सारी डिटेल्स यहीं से चेक कर सकते हो। मैं आप लोगों को कोई और रैंडम नंबर दिखा देता हूँ, जिस तरह 0305-567-0300-560-5788। तो इस लिंक का जो डाटा, मैं सिंपल लिंक वन के ऊपर क्लिक करता हूँ और फिर लोड कर लेता हूँ। ये किसी वारिस अली के नाम पे है और जो लैया का उसका एड्रेस है। ये आप लोग सारे डिटेल यहाँ पे चेक कर सकते हो इजीली। तकरीबन ज़्यादातर डिस्ट्रिक्ट में ये काम कर रहा है और बहुत ही ज़बरदस्त काम कर रहा है। तो अगर आप लोगों ने अभी तक इसे ऐप को इंस्टॉल नहीं किया तो इसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अगर वहाँ से क्लिक करके आना चाहे तो वहाँ से क्लिक करके आ सकते हैं, नहीं तो आप लोग क्या करें, सिंपली प्ले स्टोर में जाकर सर्च करके लिख सकते हैं। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमें नेक्स्ट सपोर्ट हो सके। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।